चर्चा भी करेंगे, जो आज बैठक चल रही है उस पर हम खबरों की अपडेट भी लेंगे। लेकिन पहले आपको बता देते हैं हमारे साथ कौन कौन से खास मेहमान जुड़े हुए हैं दंगल के लिए। शहनवाज हुसैन, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, अभय दुबे कांग्रेस के प्रवक्ता, डॉक्टर वीरपाल सिंह कृषि विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर एमजे खान ये भी कृषि विशेषज्ञ हैं। चलिए देखते हैं डॉक्टर एमजे खान, क्या ये मुमकिन है सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी तरफ से कह दिया था, हालांकि उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि ये किसी तरह का निर्देश नहीं है, एक सुझाव है, या फिर सरकार देखिए उसी रास्ते पर चल रही है, सरकार अपनी तरफ से यही बार बार कह रही है कि हम समझाएंगे, हम उस भ्रम को दूर करेंगे, लेकिन अगर उसके बावजूद एक स्टैंड नहीं सामने खत्म हो रहा है और गतिरोध को तोड़ना ही है, तो यहां से रास्ता आगे कहां की ओर जाता है? देखिए श्वेता जी, बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जिन बिल्स को लेकर सेलिब्रेशन होना चाहिए था देश में, आज हम एजिटेशंस देख रहे हैं। हो सकता शुरू में कहीं कम्युनिकेशन गैप सरकार की तरफ से रहा हो जिसकी वजह से ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ा हो, लेकिन आज जब छठे सातवें राउंड की बातचीत हो रही है, तब कम से कम उसका स्कोप नहीं है कि कहीं समझने समझाने में कमी हो रही है। तो आज जरूरत इस बात की है कि आप किसानों को लार्जर बेनिफिट देखें। अल्टीमेटली सभी कमोडिटीज में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम पिछले 10 सालों में इंडिया सेल्फ सफिशियंट हो गई या सरप्लस की तरफ बढ़ गई है, सिवाय ऑयल सीड को छोड़कर। क्या किसान को उसके एफर्ट्स का एक रेम्यूनरेशन मिल पा रहा है? द आंसर इज नो। क्या मंडी सिस्टम ठीक से फंक्शन कर रहा था? सभी एक्सपर्ट एकमत है कि नहीं। तो आगे का रास्ता क्या है कि कस्टमर को एक फार्मर से प्रोड्यूसर से जोड़ने का था, तो मार्केट ट्रेड को ओपन अप करने का था। और सबसे ज्यादा जरूरत आज अगर आप यूएस की देखें, $380 बिलियन की एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, इंडिया की $460 बिलियन की, सेकेंड लार्जेस्ट दुनिया में है, लेकिन हमारी फूड इकोनॉमी $700 बिलियन है और अमेरिका की $2 ट्रिलियन। इसका मतलब वैल्यू एडिशन नहीं हो पा रहा है। जब इन्वेस्टमेंट आएगा, जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, जब प्रोसेसिंग बढ़ेगी, जब पार्टनरशिप्स किसान और इंडस्ट्री के बीच होंगी, तब उसमें वैल्यू एडिशन होगा। और जब वैल्यू एडिशन होगा तो उसका बड़ा हिस्सा प्रोड्यूसर को मिलेगा। किसान प्राइमरी स्टेक होल्डर है एग्रीकल्चर सिस्टम में। तो जो भी रिफॉर्म्स होंगे, ट्रेड जब ओपन अप होता है तो प्राइसेस ऊपर की तरफ जाते हैं। जब प्राइसेस बढ़ेंगे, स्टॉक लिमिट की बात किसान की तरफ से आ रही है, हमको ये समझ नहीं आ रहा कि जब सरप्लस सिचुएशन है तो स्टॉक लिमिट से प्रोड्यूसर का नुकसान होगा, जब डेफिसिट सिचुएशन होती है तब स्टॉक लिमिट की बात सोची जा सकती है। तो जो प्रोविजंस अगर एक एक करके देखे जाए, तो अगर वार्ता अब तक नहीं हुई थी या किसानों को कम्युनिकेट नहीं किया गया था, या श्वेता जी आपका पॉइंट कि एक्सपर्ट कमेटी बननी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक सुझाव था, तो ये वार्ता का क्रम ही चल रहा है। तो अगर इसमें कोई कंसर्न्स हैं या कोई अप्रिहेंशंस हैं, तो इससे बढ़िया मौका क्या मिलेगा कि सरकार के मंत्री सीधे सीधे सामने बैठे और ज्यादातर किसान प्रतिनिधि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो भी साथ में बैठे हुए हैं। तो मुझे लगता है यहाँ से आगे का रास्ता निकलता है और इसमें कोई दो राय नहीं। दुनिया के कोई भी कंट्री का देख ले, और अपने खुद के देश में पिछले 20 सालों से जितनी एक्सपर्ट कमेटीज बनी है, कई के तो मैं खुद सदस्य रहा हूँ, सबका रिकमेंडेशन था कि मार्केट साइड रिफॉर्म्स ओवरड्यू हैं, रादर लॉन्ग ओवरड्यू हैं। फाइनली जब हुए हैं, हो सकता है उसमें कुछ कमियां, हो सकता है किसानों के कंसर्न्स इसमें कंप्लीटली एड्रेस ना हो, तो उसी के लिए मंत्री आज सामने बैठे हैं कि भाई वो कंसर्न्स सारे एड्रेस करा लें। लेकिन जो तीनों एक्ट्स में मिला के टोटालिटी में जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं किसानों को, अगर ये स्क्रैप कर दिए जाएंगे तो वो बेनिफिट्स भी खत्म हो जाएंगे। डॉक्टर खान, ये समझाइए कि ये कंफ्यूजन खड़ा कहां से हुआ, क्योंकि शुरुआत से एक चीज को लेकर तो बड़ी रस्साकशी रही कि जो प्राइवेट हैं, जो कॉर्पोरेट्स हैं, वो आकर हड़प जाएंगे लैंड को। ये सिर्फ डर है या इसका कोई आधार है? श्वेता जी, मैं इसको थोड़ा पर्सपेक्टिव में रख दूं कि ऐसे लेजिस्लेशंस जो मार्केट साइड रिफॉर्म्स के लाए जाते हैं और एग्रीकल्चर सेक्टर का एक पूरा पोटेंशियल जो है उसको बढ़ाते, इसकी जरूरत देश महसूस कर रहा था लंबे वक्त से। इस पे तो चर्चा हो सकती है कि डायलॉग पहले हुआ, बाद में हुआ, कम हुआ, नहीं हुआ, लेकिन लेजिस्लेशंस के फायदे के बारे में सभी एक्सपर्ट एकमत हैं। अब पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, जिसको हम ग्रीन रेवोल्यूशन बेल्ट बोलते हैं, यहाँ के किसानों का देश के अन्न सुरक्षा में एक बड़ा योगदान है। इसलिए मैं बहुत इज्जत के साथ में चीमा साहब की बात सुन भी रहा हूँ और उनकी कई बातें सराह भी रहा हूँ कि इन किसानों ने जो देश को योगदान दिया है। लेकिन बदलते वक्त में आप देखिए कि बदलते हुए अवसर होते हैं, उन अवसरों को किस तरीके से किसानों को फायदा उठाना चाहिए, उन चीजों की एक रूपरेखा ये तीनों लेजिस्लेशन बनाते हैं। ये बात सही है कि जो मंडी सिस्टम रहा है, इन तीनों राज्यों के किसानों को बड़ा फायदा उसका रहा है, लेकिन उस फायदे से आगे बढ़ के जो फायदा उठाने की बात है, वहां पर हम अवसरवादी बदलते हुए अवसरों को टैप करना चाह रहे हैं, या यथास्थितवादी जैसे हैं उसी में खुश रहना चाह रहे हैं, इसके बीच की एक लाइन है। तो अब
सवाल ये उठता है कि क्या हिंदुस्तान के अलावा दुनिया में कोई दूसरा मुल्क है जहां पे अगर कंज्यूमर 20 रुपए टमाटर का देता है तो प्रोड्यूसर्स को 4 रुपए मिलते हैं। 500% का डिफरेंस दुनिया में कहीं नहीं। वो इसलिए है क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस मार्केट में लगी हुई है। इनफैक्ट बहुत सारी स्टडीज थी कि ऑस्ट्रेलिया से तमिलनाडु व्हीट करना इम्पोर्ट करना आसान था, पंजाब से तमिलनाडु व्हीट एक्सपोर्ट करना ले जाना विद इन कंट्री मुश्किल था, ज्यादा कॉस्टली था, ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थे। तो जो भी अगर टोटालिटी में तीनों बिल्स को आप देखें तो ये वो इकोसिस्टम प्रोवाइड करते हैं जिससे कृषि क्षेत्र का जो एक पोटेंशियल है वो और मैक्सिमाइज हो और उसका फायदा किसान मिलता। अब आपका सवाल उठता है कि कहाँ पे गलती हो गई। ये बात सही है कि कोई बड़े रिफॉर्म्स लाने से पहले एक कम्युनिकेशन का एक बड़ा स्केल प्रोसीड करता है। ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले प्राइम मिनिस्टर इंदिरा जी ने कोई 8 महीने तक मैसिव स्केल कम्युनिकेशन देश के लिए किया था ताकि गलतफहमी ना फैले। इसी तरीके से बीटी कॉटन जब लाया गया है तो एक बहुत गलतफहमियां फैल रही थी। रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के दौरान बड़े पैमाने पे कम्युनिकेशन दिया गया देश को। तो इन कानूनों के वक्त पर भी अगर होता तो शायद गलतफहमी कमी आती, लेकिन उस फेज पे अब बात करने का वक्त नहीं है। अब बात करने का वक्त ये है क्या किसान इसमें से जो फायदे देखते हैं वो किसानों को मिलने चाहिए कि नहीं, और जो किसानों के सुझाव है, जैसे एक सबसे बड़ा जो मैं देख सकता हूँ इसमें जो कमी थी इस तीनों लेजिस्लेशंस में ये थी कि मंडी के अंदर तो टैक्स होता और मंडी के बाहर टैक्स नहीं लगता। इसका मतलब यह था किसानों में अवधारणा ये फैल गई कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सरकारी मंडियां नुकसान में जाएंगी, जब नुकसान में जाएंगी तो एक दिन सरकार उठा के इनको प्राइवेट सेक्टर को दे देगी, प्राइवेट सेक्टर फिर मोनोपोलाइज कर लेगा। तो ये एक जो कंसर्न था किसानों का जिसके साथ में एकदम जायज मानता था, अब सरकार ने उसको रियलाइज किया और पिछली बैठक में ही कृषि मंत्री जी ने